हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अमित गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है वो है हाइट बढ़ाने के ऊपर। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह मेरे को जितना तो गोरा होने के लिए लोगों ने नहीं पूछा, उससे ज़्यादा तो मेरे को हाइट बढ़ाने के लिए पूछते कि सर हाइट बढ़ाने के लिए कुछ बताइए, हाइट बढ़ाने के लिए कुछ बताइए। तो भाई मैं आज आपको एक छोटा सा टोटका बताऊंगा जो मैंने अभी फॉलो किया था अपने बचपन में, और मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, हाइट बढ़ाने के लिए क्या हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, और बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर प्यूबर्टी क्या फ़र्क आ जाता है, कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है, हाइट बढ़ाने के लिए मैं आज आपको टॉपिक कवर करूंगा। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, इशू होता है कि हमें हाइट बढ़ानी है। खैर मेरी हाइट भी कोई बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं है, मैं भी 5'9" हूँ, बट बिकॉज ये आफ्टर प्यूबर्टी बहुत मुश्किल होता है हाइट को बढ़ाना। मैं जब छोटा था तो मेरी हाइट बहुत कम थी, मेरी हाइट अराउंड ये बात है जब मैं दो ये 98 की बात है, मैं 5'1" हुआ करता था, 5'1" हुआ करता, बहुत छोटा हुआ करता था। तब मेरी मम्मी मुझे हाईटेक्स होम्योपैथी की दवाई आती हाईटेक्स, वो खूब खिलाती थी डेली, मतलब दिन में दो दो तीन तीन बार खिलाया करती थी कि खाओ बेटा तू खाओ, लंबा हो जा लंबा हो जा लंबा हो जा, और पापा मुझे पकड़ पकड़ के मारते थे, लटक 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 लटको, ये करो वो करो, बट उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं छोटा टोटका बताऊंगा आपको वो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो फट से आप देख सको। तो टोटका जो मैं बताऊंगा वो 5-10 रुपए का टोटका है, बट वो फ़र्क देता है उसमें आपको बहुत, मुझे उसमें 2-3 इंच का फ़र्क पड़ा था, बट उसका भी कंडीशंस होती हैं 100%, तो मैं नहीं कहूँगा कि 100% वो शो शॉट वर्क करेगा, बट यस फॉलो करने में कोई इशू नहीं है, आप फॉलो ज़रूर करिएगा। मेडिकली ट्रीटमेंट क्या है और कब कब हाइट बढ़ती है कब नहीं बढ़ती है और बहुत सारी मेडिकेशन आती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, करती है या नहीं करती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे बोलेंगे मेरे को हाइट बढ़ानी, तो डॉक्टर कहेगा कि नहीं भैया तेरा तो प्यूबर्टी, मतलब 18 साल आपने क्रॉस कर चुके हो, अब आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती। तो क्यों नहीं बढ़ सकती है? आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर 18 ईयर्स जब हम क्रॉस करते हैं, हमारी बॉडी में प्यूबर्टी जब क्रॉस कर जाती है तो इपीफाइजल प्लेट होती है, बोन्स में इपीफाइजल प्लेट होती है, यहाँ पे लॉन्ग बोन्स में है ना, वहाँ पे वो फ्यूज हो जाती है, वो आपस में फ्यूज हो जाती है, वहीं से हमारी हाइट ग्रो होती है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे चांस लेना है, मुझे हाइट बढ़ाना है अपनी, अब 18 ईयर क्रॉस कर चुके हो, 19 साल के हो, 20 साल के हो, 21 साल के हो, माइट भी किसी को एपिफाइजल प्लेट वैसे क्लोज तो जल्दी हो जाती है, बट अगर नहीं हुई है तो आप मुझे आपका रिस्ट एक्सरे एपी व्यू एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है ना, रिस्ट का ऐसा हाथ करके एक्सरे बोलना है एक्सरे वाले को, भैया मेरा ऐसा एपी व्यू रिस्ट का ले लो और वो मुझे आप भेज देना, या तो लेस्को मेक पे के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि अगर आपकी एपिफाइजल प्लेट क्लोज नहीं हुई है तो दे आर मैनी इंजेक्शन लाइक ग्रोथ हार्मोन, के इंजेक्शन के थ्रू भी हम हाइट बढ़ा सकते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, जब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के सेल्स की ग्रोथ बढ़ाता है, अगर आप 18 साल से कम हैं, आप 15-16 साल के हैं और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बॉडी की, बहुत छोटे हैं आप, देखो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोई भाई बहन होंगे या आपके कोई फ्रेंड्स होंगे, आस पड़ोस के होंगे या आपके बच्चे होंगे जिनकी हाइट कम है और वो अभी उनके भी फसल प्लेट क्लोज नहीं हुई है या वो उनकी प्यूबर्टी क्रॉस नहीं हुई है, तो आप उनको मैं सलाह दूंगा कि आप उनको बोलो कि लटकें, खूब ज़्यादा लटकें और कुछ योगा करें, योगा से भी आपकी हाइट बढ़ती है, स्ट्रेचिंग करना है और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन जो सोमैनोट्रोपिन हार्मोन होते हैं उनके इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो कि बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। एक चीज़ को याद रखिएगा, ये आपको स्पेशली डॉक्टर्स के सुपरविजन में ये सारी चीज़ें करनी है, मैं जो मेडिकेटेड ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ना, ये आपको ऐसा नहीं कि मैंने बोला आप खुद जाके लगाना चालू कर दी ग्रोथ हार्मोन और बच्चा को सोचेंगे लंबा कर लें ऐसा नहीं होता, इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो आपको उसके लिए प्रॉपर हम लोग जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी प्रॉपर हम ब्लड हिस्ट्री या उसकी प्रॉपर हिस्ट्री चेक करने के बाद उसको डोजिंग डिसाइड करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई है जिसको आप जानते हैं या आप खुद ऐसे हैं कि आपकी हाइट बहुत कम है और आपको हाइट बढ़ानी है और अभी अगर आपकी एपिफाइजल प्लेट क्लोज नहीं हुई है तो सोमैनोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उनके लिए जो बहुत छोटी छोटी हाइट होते हैं या जिनकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही होती छोटे बच्चों की, उनके लिए ट्रीटमेंट होता है, बट उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। देखो अब आप बोलोगे जब छोटे बच्चों को जब बिफोर प्यूबर्टी हम लगा सकते हैं तो बड़ों को क्यों नहीं लगा सकते? ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के सेल की ग्रोथ कराता है, बॉडी के पूरे सेल की ग्रोथ कराता है, ठीक है? तो जब हम छोटे होते हैं
ठीक है, तो जब एपिफाइजल प्लेट क्लोज नहीं हुई होती है तो हमारी ग्रोथ ऐसे होती है, ठीक है, मगर जब हमारी एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो जाती है तो हमारी ग्रोथ ऐसे होना चालू हो जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन इसलिए खतरनाक भी है कि अगर आप एक्सेस में ले लेंगे, प्रॉपर डोजिंग नहीं सेट करेंगे और आपकी एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो चुकी है तो आपका चेहरा से चौड़ा सा हो जाएगा, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी, आपका हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन की साइज बड़ी हो जाएगी, विच इज नॉन रिवर्सिबल। तो ये खतरनाक भी होता है। मैं ये वीडियो बनाने का सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ मैं ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकूँ, क्योंकि आप मेरे कमेंट बॉक्स में चेक करोगे बहुत सारे लोग हाइट 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 बढ़ाने पे वीडियो बनाई है। तो मैं बना रहा हूँ, मेडिकेटेड ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको लगाना चालू कर दें, ठीक है। तो एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट, जो खासकर जिनकी प्यूबर्टी क्रॉस नहीं की जाती, 18 19 17 साल 15 16 साल के बच्चों को, तो उनके लिए तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि उनकी हाइट अच्छी बढ़ जाएगी, 2-3 इंच बढ़ जाएगी। अब आप प्यूबर्टी, फॉर एग्जाम्पल प्यूबर्टी क्रॉस कर चुके हो, ठीक है, अब आप तो बड़े हो चुके हो, आपकी एपिफाइजल प्लेट क्लोज हो चुकी है, अब क्या करें? तो सर्जिकली देखा जाए तो एक इलाजर ऑफ टेक्निक होती है। इलाजर ऑफ टेक्निक में क्या होता है वो बहुत पेनफुल टेक्निक होती है सर्जरी। आपका बोन को लेंगे, बोन है ये, फॉर एग्जांपल आपकी फीमर बोन है, पैर की बोन है, इसको यहां से लेके फ्रैक्चर करेंगे, तोड़ देंगे और यहां पे रिंग बांध देंगे दोनों साइड और थोड़ा दूर कर देंगे बोन को। अभी क्या होगा, बोन रिमॉडलिंग होती है इसमें, रिमॉडलिंग मतलब दोबारा बोन बनती है, तो यहाँ पे जो गैप आएगा यहाँ पे वापस से न्यू बोन जनरेट हो जाएगी। फिर उसको एक महीने बाद फिर ब्रेक कर देंगे और थोड़ा गैप को बढ़ा देंगे, डिस्टेंस बढ़ा देंगे, फिर वहाँ पे भी बोन ग्रो हो जाएगी, फिर और बढ़ा देंगे। ये बहुत ही छोटे छोटे उसमें करा जाता है, ये बहुत डिस्टेंस को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दूर दूर कर कर उसको ग्रोथ को कराई जाती है, बट इट्स अ पेनफुल टेक्निक और कम से कम आपको 2-4 महीने बेड पे ही रहना पड़ेगा। तो ये उनके लिए होता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि मुझे तो हाइट चाहिए चाहिए, मुझे तो बिल्कुल हाइट चाहिए, तो इसमें आप अपने पैर तोड़वा के हाइट बढ़ा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं मार्केट में इंटरनेशनली क्या चल रहा है हाइट के ऊपर, हाइट बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट, मैं आपको वो बता रहा हूँ सिर्फ। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रीटमेंट करके अपनी हड्डियां तोड़वा के लंबे हो जाओ, हाइट इज डिफरेंट थिंग। ये आपको बहुत ही ज़्यादा मॉडलिंग करना है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो आपको है कि नहीं मुझे तो 5'11" या 5'12" या मुझे तो 6 फिट चाहिए चाहिए, तो बिकॉज देखो हाइट से आपके वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं अंदर जॉब करते हैं, कोई भी फील्ड में है, तो हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 फुट के भी होंगे तो आपका काम बोलता है ना, तो जरूरी नहीं कि आपको हाइट बढ़ानी है। बट यस, अगर कोई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मुझे हाइट बढ़ानी है, तो एक इलाजरोफ टेक्निक है, इट्स रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, उसमें इसको ब्रेक करके बोन्स को थोड़ा ब्रेक करेंगे और यहाँ पे ऐसा पिन बांध देंगे, जैसे यहाँ पे बोन आ जाएगी न्यू उसको थोड़ा सा और ब्रेक करेंगे, इन पिन को थोड़ा और दूर कर देंगे, ऐसे दूर कर करके इसको हाइट को बढ़ाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा टोटका, अब आप लोग मेरे पे बहुत हंसोगे, ठीक है। तो ये टोटका छोटू सा टोटका है, हार्डली 5-10 रुपए का है। आपको करना क्या है, बताशे, देखिए आपने बताशे जो दिवाली में शक्कर के बताशे होते हैं, आपको 3 दिन से भी फॉलो करना है। सुबह 6 बजे उठना है, 3 बताशे लेने हैं, किसी बरगद के पेड़ पे के पास जाना है, सुबह 6 बजे पैदल जाएगा घर से, कई गाड़ी वाड़ी नहीं लेना है, बरगद के पेड़ पे जाना है 3 दिन, ठीक है। और उसका पत्ता तोड़ के उसका जो दूध होता है वो दूध को बताशे पर डाल के आपको वो खाना है, सिर्फ ये 3 दिन करना है और आपकी इसे 1-2 इंच हाइट या 3 इंच हाइट बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपको ताड़ासन करना है और लटकना है, ये मैंने भी किया था और मेरी हाइट बड़ी है, इससे बड़ी कि किससे बड़ी मुझे नहीं पता, बट छोटा था टोटका है, कई बार टोटके काम आ जाते हैं तो करके देखने में कोई इशू नहीं है। लटकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो आपके ये जो जॉइंट्स को स्ट्रेच करती है, बोन को स्ट्रेच करती है, तो वो ग्रोथ के लिए प्रमोट करती है। तो ताड़ासन करिए, इस टाइप के स्ट्रेचिंग करिए, लटक जाओ, लटकना तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप प्यूबर्टी भी क्रॉस कर चुके तो ये बताशे वाला टोटका फॉलो करके देख लो एक बार, और अगर आपकी हाइट बढ़ जाती है 2-3 महीने में बताशे खा के, तो प्लीज मुझे थैंक यू बोलिएगा और यहाँ पे जितने भी कमेंट बॉक्स में वहां पे जाइएगा और लोगों को मैसेज करके बताइएगा ताकि वो भी बताशे खा खा के हाइट बढ़ाए। ये बहुत फनी सा लग रहा होगा आप लोगों को, अभी आप लोग हंसोगे भी कि मैं डॉक्टर होकर ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट यस कई बार कुछ चीजें होती है जिसके हमारे पास जवाब नहीं होते। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और वहाँ पे आके आपके कोई क्वेश्चन तो मुझे, मैं आपके आंसर करूँगा वहाँ पे। और मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बताशे खाइए मुझे बताइए, और अगर आप 18 साल से कम है तो मुझे एक्सरे आपका रिस्क का एक्सरे भेजिए, फिर मैं आपको एक्जैक्टली ट्रीटमेंट बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता।